आज हम आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोण की फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आपको जो है अध्ययन कराएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1, सिद्ध कीजिए 3 sin inverse x इज इक्वल टू sin inverse 3x - 4x3, जहाँ स्मॉल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल में -1/2 से 1/2 है। तो बेटा इसका सलूशन, सलूशन नंबर 1, हम इसमें जो साइन इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल करते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंप्लाई करेगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। बेटा फार्मूला है sin 3 θ = 3 sin θ - 4 sin 3 θ। इसमें जो साइन थीटा की वैल्यू हम एक्स करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स रखने पर इंप्लाई जाए sin 3 θ = 3x - 4x³, या इंप्लाई जाए 3 θ = sin 3x - 4x³। बेटा यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा है, तो थीटा की थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रखने पर हो जाएगा क्या, इंप्लाई है 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x³। यही जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 का सत्यापन है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 3 cos inverse x = cos inverse 4x³ - 3x, जहां स्मॉल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल में 1/2 से 1 है। तो बेटा हम जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन नंबर 2, इसमें जो है कॉस इनवर्स एक्स को हम थीटा के इक्वल करते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स तो स्मॉल एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। सूत्र है कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos 3 θ - 3 cos θ। कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स रखने पर हो जाएगा कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4x³ - 3x, इंप्लाई एच 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। थीटा की वैल्यू जो कॉस इनवर्स एक्स है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स रखने पर हो जाएगा क्या, 3 cos inverse x = cos inverse 4x³ - 3x। आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सत्यापन है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो सत्यापित किए हैं, ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध कीजिए 2 tan inverse 1/2 + tan inverse 1/7 इज इक्वल टू tan inverse 31/17 है। बेटा सॉल्यूशन नंबर 3,
सिद्ध करना है, टू टैन इनवर्स वन बाई टू प्लस टैन इनवर्स वन बाई सेवन इज इक्वल टू टैन इनवर्स 31/50। बेटा इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है प्रथम पद जो टू टैन इनवर्स से संबंधित है और टू टैन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। हम सबसे पहले प्रथम पद को साफ निकाल लेते हैं, हो जाएगा तो टू टैन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2 × 1/2 / 1 - 1/2 स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर टैन इनवर्स 1/1 - 4 / 1 - 1/4 या टैन इनवर्स 1/3/4। आ जाएगा टू टैन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4/3। हम इसके प्रथम पद को इसको जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 × 1/2 प्लस टैन इनवर्स 1/7। 2 × 1/2 की वैल्यू टैन इनवर्स 4/3 है, हो जाएगा टैन इनवर्स 4/3 प्लस टैन इनवर्स 1/7। बेटा आप जो है यहाँ पर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फार्मूला है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy का यूज करेंगे तो फार्मूला है आपका टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy से हो जाएगा क्या टैन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 टोटल का वाई 1 - 4/3 इंटू 1/7 या टैन इनवर्स अंश में जो है एलसीएम कितना हो जाएगा 21 आ गया 21 और 28 यहाँ आएगा प्लस 3 हर में हो जाएगा 21 - 4/21 या टैन इनवर्स 31/21 टोटल का वाई 17/21 बेटा 21 से 21 कट जाएगा, आ जाएगा क्या टैन इनवर्स 31/21 इंटू 21/17 21 से 21 कट जाएगा और आएगा टैन इनवर्स 31/17 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको सत्यापित करना था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है टैन इनवर्स अंडर रूट में 1 + x² - 1/x जब x डज नॉट इक्वल टू 0 को सरलतम रूप में लिखना है, तो सॉल्यूशन नंबर 5 है आपका हम दिए हुए फॉर्म को y के इक्वल करते हैं। यदि y इज इक्वल टू टैन इनवर्स अंडर रूट
हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। बेटा इसके दाहिने पक्ष को हम क्लियर करते हैं, दाहिने पक्ष में जो टेन इनवर्स है इसका एंगल जो है अंडर रूट में है। हमारा पहला लक्ष्य है अंडर रूट का विलोपन किया जाए। अंडर रूट के विलोपन के लिए हम जो इसमें एक्स के स्थान पर टेन थीटा रखते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सिक्स स्क्वायर थीटा, और इसके सहारे हम लोग जो है अंडर रूट का विलोपन कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखने पर इंप्लाइज है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब जो है इसके अंश में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम रखते हैं स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में है, आ जाएगा क्या टेन इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब हम जो है इसमें sec थीटा और टेन थीटा को साइन का आसन चेंज करते हैं, आ जाएगा क्या इक्वल टू टेन इनवर्स 1 by cos theta minus 1 upon sin theta by cos theta। इसको हम ठीक कर लेते हैं, tan inverse 1 minus cos theta upon sin theta आएगा। अब जो है हम tan inverse के एंगल को जो है अगर tan theta tan में चेंज कर लेते हैं तो हम जो tan inverse tan theta से theta को प्राप्त कर सकते हैं। इस नाते इसमें जो है हाफ एंगल के फार्मूले का यूज करते हैं। हाफ एंगल का फार्मूला है cos theta इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin theta इज इक्वल टू 2 sin theta बाई 2 इंटू cos theta बाई 2 हो जाएगा क्या tan इनवर्स बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर cos theta की मान वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अंश में 1 जो है हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। फिर अब 2 से 2 कट जाएगा, एक sin से एक sin कटेगा, आ गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 या टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 या थीटा बाई 2 आएगा या 1 बाई 2, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, इसका सरलतम रूप है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 जबकि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में लिखिए। सॉल्यूशन नंबर 6 बेटा दिए हुए फलन को हम y इक्वल कर देते हैं। y यदि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर जो है
टैन इनवर्स के एंगल में ऐसा परिवर्तन करते हैं कि जिससे यहाँ जो अंडर रूट है उसका विलोपन कर सके। तो यहाँ पर जो है हम यक्स के स्थान पर से थीटा को प्रतिस्थापित करते हैं, ये यक्स इक्वल टू सेक थीटा रखने पर हो जाएगा क्या, वाई इक्वल टू टैन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, या हो जाएगा क्या टैन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट में वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन से वन कैंसिल आ जाएगा टैन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट में टैन स्क्वायर थीटा, या टैन इनवर्स वन बाई टैन थीटा या कॉट थीटा। हम जो कॉट थीटा में ऐसा परिवर्तन करते हैं, कॉट थीटा को टैन में हम चेंज करेंगे, हो जाएगा क्या इज इक्वल टू टैन इनवर्स, और कॉट थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं टैन पाई बाई टू माइनस थीटा। टैन इनवर्स टैन थीटा की वैल्यू होती है थीटा, इस नाते इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर यस इक्वल से थीटा हम अपने प्रतिस्थापित किए हैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स यक्स। तो इसमें जो है थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स यक्स रखते हैं, आ जाएगा क्या पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स यक्स, इसका सर्वोत्तम रूप है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कॉट टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हम डी एल को वाई के ऊपर करते हैं, यदि वाई इज इक्वल टू कॉट टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, यहाँ पर एक फार्मूला है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई टू। तो यहाँ पर टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू, इंप्लाइज एच वाई इज इक्वल टू कॉट पाई बाई टू। कॉट 90 का मान, कॉट 90 अर्थात कॉट 90 अपॉन साइन 90 आ जाएगा जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, अतः कॉट टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान जीरो होगा। इसी तरह आप लोग जो है प्रश्नावली 2.2 के अन्य क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करिएगा, और इसके बाद इसके अलावा जो है अगले वाले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।